ये हौसलों की उड़ान है। मियां वरना तुझे थप्पड़ मार देंगे। हाँ ये क्या बचपना है, शर्म नहीं आती तुझे? मर्द होकर कितनी जल्दी हार मान गया? हाँ सूरज, कोई पिपता आई है तो उसे बाहर निकलने का कोई सही तरीका नहीं है। तो क्या करें हम? अब तो हमें लगता है हमारे पास बस दो ही तरीके, या तो हम खुद को खत्म कर। उसने हमसे कहा है नहीं आएगी वो। बेटा हमें लगता है कि अगर हमारे कारण जबूर सूरज से ब्याह नहीं कर लिए है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने गलती की है तब उसकी भरपाई करेंगे, माफी मांगेंगे चकोर से। आइए कमल जी। नहीं नहीं आप कहाँ? नहीं हम अकेले जाएंगे। कहा है ना अगर हम तीनों जाकर दीदी को मनाएंगे तो वो मान सकत, जल्दी मान सकत। नहीं नहीं इतनी बता, किससे नाराज है जो, किससे नाराज है? हमसे, हम ही मनाएंगे ना उसे। हाँ तुम दोनों यहीं ठहरो, हम जाकर आपके प्रार्थना के लिए के बच्ची मान जाए। लेकिन देखिए इमली, हमें लगता है कि कमल जी ठीक ही कह रहे हैं, हमें तो इस बात से मतलब होना चाहिए ना कि चकोर मान गई। कमल जी जाकर अकेले मनाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस कमल जी आप जाइए और उस बच्ची का दिल जीत लीजिए। बस भोलेनाथ रक्षा करना। बहुत ही चालाक है, कैसी पट्टी पढ़ाए रहे हैं हमका। अंदर जाके कछु और बोली और बाहर आकर कोने और ही नया नाटक करी। क्या हाल है बहू रानी? आप ये थाल, आप यहाँ क्या करने हैं? ये सब क्या नाटक है? आपको जो चाहिए था वो मिल गया, अब और क्या चाहिए? जो तूने वादा किया था वो निभाया, तारीफ करनी पड़ेगी तेरी। अच्छा ये हम शगुन का थाल लेकर आए हैं। ये क्या बकवास है? शगुन कैसा शगुन? और आप हमें ये बताइए कि आप उन बच्चों को रिहा कब करें? वो आजादगंज वापस कब आ रहे हैं? अगर तू अपनी बात रख सकती है तो हमें भी तो अपनी बात रखने दे। चिंता मत कर, सब ठीक ठाक है। ये देख बच्चे ऐश कर रहे हैं। इन बच्चों को आजाद करवाने के लिए और क्या करना पड़ेगा हमें? अरे बेवकूफ लड़की तू तो हमें जानती है। हे डाक बाबा, कैसे भी करके चकोर मान जाए। ये कमीना आदमी यहाँ बिना किसी कारण तो आ ही नहीं सकते, कौन जाने अब दीदी को और का डरा धमका रहा होगा अंदर। बहू को बना नहीं पाए। राक्षस तू ही सब तो दीदी से करवाना चाहता था और अब मगरमच्छ के आंसू दिखाई रहे। पर हम भी आखिरी कोशिश करके देखते हैं। नहीं दीदी सुनी माँ, इस वक्त दीदी बहुत ही गुस्से में, किसी की भी बात नहीं सुनी। आप ही कमल नारायण का हवेली लेकर जाइए, हम दीदी से बात करके आवत। हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ उस कमल नारायण ने करवाया। हमने जो भी किया वो उसके दबना होगा जो वो कमल नारायण हमसे करवाना चाहता है, वरना वो उन बच्चों को मार देगा या उन्हें बेच देगा। पर दीदी ऐसा कब तक चलता रहेगा?
पुतों को बात बात पे झुकलाए जा रहे और तू झुकती जा रही। हम जाने थे आज भी सबन के नजर में अच्छा बनने के वास्ते वो यहाँ तेरे पास सगुन की थाली लेकर आए। हम जाने थे कि यहाँ पर उतो को मनाने के लिए नहीं बल्कि डराने और धमकाने के लिए आया था। खुद तो हमदर्दी ले गया और तो को बुरा साबित करके चला गया। क्या करें इमली, अगर बुरा बनने से उन बच्चों की जान बच जाती तो हम उसके लिए भी तैयार। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। दीदी रास्ता है, तू सब कुछ सूरज के सच सच काहे नहीं बताई देते? एक बार तो सूरज का सब कुछ सच बता देगी फिर आप दोनों एक ढाल बन जाओगे और फिर बहुत ही आसानी से कमल नारायण का मुकाबला भी कर पाओगे और जीत भी सकते हो। दीदी सोच कर देख। तुझे क्या लगता है हमने इस बारे में पहले नहीं सोचा है? कमल नारायण ने हमें धमकी दी कि अगर सच्चाई के बारे में सूरज को जरा सी भी भनक लगी तो वो बच्चे इस तरह गायब होंगे कि जिंदगी भर हम उन्हें ढूंढते रह जाएंगे। इमली वो बच्चे आजादगंज का भविष्य है और चलो मान भी लिया कि अगर हमने सूरज को सच बता दिया तो हम जीत जाएंगे, मगर हमारा आजादगंज हार जाएगा इमली और हम आजादगंज को हारने नहीं दे सकते। चाहे कुछ भी हो जाए हमें वही करना होगा जो वो कहता है। दीदी कमल नारायण ने तोरी जबान बन की तोरे हाथ बांधे मगर हमारी जबान भी खुली और हमारे हाथ भी। जैसा मक्कार खेली तोरे संग खेल रहा है ना कमल नारायण, उससे कहीं ज्यादा शातिर खेल हम खेलिए उके साथ। नहीं तो दीदी सूरज और आजादगंज सब कुछ खत्म हो जाए। मालिक गांव में सूरज और चकोर के अलग होने की खबर है। अच्छा ही हुआ मालिक, गांव में उस चकोर के आजादगंज को बचाने की उसकी नौटंकी अब बंद हो जाएगी। ये हुई ना बात, मतलब तीर जो है सही निशाने पे जाके लगा है। इतना तीर भी अगर सही निशाने पे लगता है तो समझ गए ना, पांचों उंगलियां घी में। पांचों क्यों भाई, दसों उंगलियां घी में होगी। सीखो, तूने हमारी तबीयत खुश कर दी। वो अलमारी दिख रही है, अंदर एक ड्रॉर है खोल कर। मालिक ये नोटों से भरी हुई है। हाँ तो जितना उठा सकता है उठा ले और जेब में भर ले। पर मालिक हम, अरे गंगा में बाढ़ कभी कभार ही आता है, चल भर ले भर ले। बड़ी कृपा है मालिक आपकी, अब हमारी छोटी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। तू भी क्या याद रखे, कृपा इतने की नौकरों को बांट रहे, वाह। आपसे मतलब? अरे नहीं, वो क्या है कि हमें बहुत डर लगता है कि कहीं आपके झूठ का गुब्बारा फूट गया तो। हमारा मतलब है कि अगर सूरज को सच्चाई का पता चल गया तो। आप एक काम कीजिए, ये एक चेक साइन कर दीजिए बस। अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो आपके बिजनेस में हमारी भी भागीदारी होगी। हमें मालूम था कि आप ऐसी बात जरूर करेंगे, जानते हैं आपको, इसलिए ये लेकर आए। देखिए इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि हमारी कंपनी पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा और ना ही जो आप पैसा हमें दे रहे हैं वो हमसे वापस मांगेंगे।